हाँ जी सत श्री अकाल जी, तुहाडे अपने प्यारे चैनल स्टडी बार में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। 10वीं 12वीं डिप्लोमा सरकारी नौकरी आउट कर दी थी, भर्ती आउट की थी, तुहाडे वास्ते बहुत वधिया मौका है। तो जीडी इलैक्ट्रिकल मकैनिकल इलैक्ट्रॉनिक्स रेडियो पावर अप्लाई करना, जी ऑनलाइन अप्लाई करना, किस वैबसाइट जाके अप्लाई कर सकते हो। तो आखिरी मिति लास्ट डेट है 22/9/2023, इस तो पहले तुम अप्लाई कर लेना, जल्दी करो अप्लाई। तो बहुत वधिया तुहाडे कोल मौका है, 10वीं दी अलग पोस्टा, 12वीं दी अलग पोस्टा, डिप्लोमा वास्ते अलग पोस्टा, तो बहुत वधिया तुहाडे कोल मौका रहने वाला इस भर्ती आने का। तो बाकी फुल डिटेल आप नोटिफिकेशन वेखा की मैनशन किया, की एलिजिबल क्राइटेरिया की, एज की, क्वालिफिकेशन किस तरह अप्लाई करना है, सारी जानकारी आप इस वीडियो साझा करांगे तुहाडे नाल। उस तो पहले छोटी जी बेनती करना चाहते हैं, जेडे भी चैनल पर नवे चैनल सबसक्राइब जरूर कर लो। तो शुरू करते हैं इस दी वीडियो। तो सब तो पहला जो पोस्टा वेख सकते एजुकेशन क्वालिफिकेशन की गल करिए, नैविक डोमेस्टिक ब्रांच वास्ते 10वीं पास वाले एलिजिबल ने, जिस भी बच्चे ने 10वीं की है तो अपलाई कर सकते हो। उस तो बाद नैविक जनरल ड्यूटी जीडी की आउट की, 10+2 की है, तुम मैथ फिजिक्स की है तो अपलाई कर सकते हो। उस तो बाद यांत्रिक की भी आउट की, जिस वे 10वीं की है ना, तो डिप्लोमा होना चाहिए इलैक्ट्रिकल किया, मकैनिकल इलैक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर, इंजीनियरिंग, जो कि डायरेक्शन होना चाहिए डिप्लोमा होना चाहिए 3 या 4 साल का होना चाहिए है। तो उस बार जेकर 3-4 साल का डिप्लोमा नहीं है तो तुम जो 10वीं की 12वीं की होनी चाहिए है, तो डिप्लोमा होना चाहिए इलैक्ट्रिकल मकैनिकल इलैक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर, इंजीनियरिंग, डायरेक्शन 2 या 3 साल का होना चाहिए है। तो जो उपरली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या थर्ड ही होनी चाहिए है। तो उस तो बाद थले स्क्रॉल करोगे तो सारा कुछ मैनशन किया गया है। तो बाकी फुल डिटेल नाल दसांगा इस वीडियो में, तो कृपा करके वीडियो पूरा जरूर देखना, स्किप नहीं करना। तो उस तो बाद वेख सकते वैकेंसियां की गल करिए, सब तो पहला वैकेंसियां की गल कर लें। सब तो पहला जनरल ड्यूटी नैविक वास्ते 260 पोस्टा कैटागरी वाइज डिवाइड की, तुम चैक कर लेना, नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप टैलीग्राम ग्रुप में, ज्वाइन जरूर कर लेना। तो उस बाद नैविक डोमेस्टिक ब्रांच वास्ते 30 पोस्टा आउट किया गया ने। उस तो बाद यांत्रिक मकैनिकल की गल करिए 25, तो इलैक्ट्रीकल जो पोस्टा आउट की गई 20, इलैक्ट्रॉनिक्स 15 आउट किए गए ने। इस लिमिट की गल करिए 18 तो लैके 22 साल, बाकी एस सी एस टी 5 साल की छूट, तो ओबीसी 3 साल की छूट, तो अपनी एज लिमिट रहेगी। तो उस बाद सिलैक्शन प्रोसैस जो इतने मैनशन किया गया, सब तो पहला शॉर्टलिस्ट अपने जो सिलैक्शन होंगे कैंडिडेट बेस्ड, ऑल इंडिया ऑर्डर मैरिट बेस्ड, जो ठीक है पहले शॉर्टलिस्ट हो, उस स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4, ठीक है, जो भी थोड़े इतने मैनशन किया गया, एग्जाम वगैरह होगा, फिजिकल होगा, सारा कुछ, जो मेडिकल वगैरह होगा, सारा कुछ होने तो बाद जो भी थोड़ा फाइनल, उस तो बाद मैरिट लिस्ट वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, सारा कुछ फाइनल जो भी होंगे है, तो सारा कुछ स्टैप बाय स्टैप दिता है, ठीक है, कि सैक्शन किन्ने। तो उस तो बाद थले स्क्रॉल करोगे तो इतने स्टेज 2 दिता, पहले भी थोड़ा एग्जाम होगा, 2 में फिजिकल होगा। तो उस तो बाद फिजिकल की गल करिए, 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, जिसनों तुम 7 मिनट में कंप्लीट करना है। तो उस बार 20 स्क्वैट उठक बैठक आप कह सकते हो होनगियां, उस बार 10 पुशअप होनगियां, तो थोड़ा फिजिकल रहेगा, तो उस बार हाइट वगैरह जो चेस्ट वगैरह जो भी ठीक है माप वगैरह होगा। तो उस बार मैडिकल एग्जाम होगा, मैडिकल यानी कि मैडिकल टेस्ट होगा थोड़ा, तो उस बार मैरिट लिस्ट जो फाइनल, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, तो फाइनल मैडिकल जो भी थोड़ा है, इस तो बाद जो सिलेक्शन वगैरह होगी। हाउ टू अपलाई, अपलाई करना जी ऑनलाइन अपलाई करना, 8 सितंबर 2023 तो फॉर्म शुरू हो गए हैं, तो लास्ट डेट की 22 सितंबर 2023। तो इनकी ऑफिशियल वैबसाइट है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in, इस वैबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते। बाकी इतने इस वैबसाइट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दाँगा, तो उसे क्लिक करके तो अपना अप्लाई कर सकते। बाकी इतने वैबसाइट तुम देख सकते हो स्क्रीन पर दी है, तो बाकी थले स्क्रॉल करोगे सारा कुछ मैनशन किया गया, हदायतें वगैरह दी कि डॉक्यूमेंट लगे किस तरह अप्लाई करना है, तो थले स्टैप बाय स्टैप दिता है। तो बाकी तुम चैक कर सकते, जिम्मे स्टेज 1 आप गल करिए जो एग्जाम होगा नैविक जीडी नैविक डोमेस्टिक ब्रांच यात्री का, फस्ट जो स्टेज होगा मिड यानी कि एंड विचाले ज एंड दिसंबर 2023 होगा। स्टेज 2 की गल करिए मिड एंड जनवरी 2024 होगा। 3 की गल करिए एंड अप्रैल अर्ली मई यानी कि 2024 होगा। तो उस तो बाद सारा कुछ इतने मैनशन किया गया, स्टैप बाय स्टैप दिता है। जेकर तुम्हें समझ नहीं आती तो मैं कमेंट सैक्शन पूछ सकते हो। तो बाकी नोटिफिकेशन वेख सकते 17 पेज ने, नोटिफिकेशन एक बार रीड आउट कर लेना अपलाई कर तो पहला, तो उस तो बाद ही अपलाई करना।
तो थोड़े तक जानकारी साझा करना चाहता सी। एक तुहानू होर इस जो मैनशन किया ओनली जो मेल जाने की मुंडे कैंडिडेट अपलाई कर सकते हैं एलीजिबल ने, कुड़ियां इस अपलाई नहीं कर सकदियां। तो सारा कुछ इतने नोटिफिकेशन में दिता है, मैनशन किया गया, चैक कर सकते हो। उस तो बाद थले वेख सकते हो सारा कुछ दिता है, इतने मैनशन किया गया नैविक जनरल ड्यूटी वास्ते जी बेसिक पे रहेगी 21,700 रुपया रहेगी। पे लेवल होगा 3 ते नैविक डोमेस्टिक ब्रांच की गल करिए 21,700 लैवल 3 ते यांत्रिक की गल करिए 29,200 लैवल 5 ते रहेगा। तो सारा कुछ इतने मैनशन किया गया, सारा कुछ डिटेल वाइज दिता है, चैक कर सकते हो। बाकी जेकर समझ नहीं आती तो कमेंट सैक्शन पूछ सकते, जब तुम मैं वट्सअप से मैसेज कर सकते हो 7587-1209 से, तो अपना नाम तो अपनी सिटी का नाम लिखे तो उस तो बाद जिन जो भी मैंने पूछना वट्सअप से पूछ सकते हो। तो फिलहाल ही अपडेट कोई नवी अपडेट मिलती तो जानकारी चैनल मिल जाएगी, चैनल सबसक्राइब जरूर कर लेना। तो आप हम रैगूलर वीडियो बनाने की कोशिश करा, रैगूलर तुम जो भी अपडेट आँगी नौकरी के रिगार्डिंग या कोई भी रिजल्ट कुछ भी आता तो जानकारी चैनल मिल जाएगी, चैनल सबसक्राइब जरूर कर लेना। तो वीडियो में एंड तक वेखने के लिए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।